और कृषि कानून पर ही नाराजगी थी शिरोमणि अकाली दल की। और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल से आज फोन पर बात की प्रधानमंत्री ने। दरअसल मौका था बादल के जन्मदिन का। देशभर में किसान आंदोलन का 13वां दिन मंगलवार को आज भारत बंद, और इस बीच प्रधानमंत्री ने खुद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की, उनके 93 जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा क्या बात हुई ये तस्वीर अभी साफ नहीं। भारत बंद के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की और उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। 5 बार के पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल मंगलवार को 93 साल के हो गए। कल ही शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों पर आपत्ति जाहिर की थी। सोमवार शाम को उन्होंने पीएम को खत लिखकर कहा था कि पीएम उदारता दिखाएं और तीनों विवादित किसान कानूनों को तुरंत रद्द करें। बादल ने कहा था कि पहले दिए गए घावों के निशानों को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। सोमवार शाम पीएम को लिखे अपने 4 पन्नों के खत में बादल ने कहा था कि देश और सरकार को व्यापक विचार विमर्श और आम सहमति पर चलने की जरूरत है। बादल ने पीएम का ध्यान इस तरफ दिलवाया कि कैसे टकराव की राजनीति ने हमारे सामाजिक ताने बाने को खंडित कर दिया। बादल ने कहा कि सलाह मशविरा, सहमति और सुलह ही किसी लोकतंत्र का आधार होते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने खत में लिखा, 3 कानूनों ने देश को गहरी उथल पुथल में धकेल दिया है। इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि हमारे देश के समूचे आर्थिक स्वरूप पर भी पड़ रहा है। अभी हाल ही में प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान सरकार को वापस लौटाने का ऐलान किया था। इस दौरान बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 3 पन्नों की चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की थी। पद्म विभूषण लौटाते हुए पंजाब के पूर्व सीएम ने चिट्ठी में लिखा था कि मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों का अपमान हो रहा है तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल प्रकाश सिंह बादल सरकार से नाराज थे, इसी वजह से उन्होंने सम्मान लौटाया। आज उनके जन्मदिन के मौके पर पीएम ने खुद फोन पर प्रकाश सिंह बादल से बात की। हालांकि शुभकामनाओं के अलावा पीएम से प्रकाश सिंह बादल की किन और मुद्दों पर बात हुई ये तस्वीर अभी साफ नहीं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।